मनपा की ओर से चल रही आठवीं बाजार अतिक्रमण के खिलाफ काशीनगर सब्जी विक्रेताओं ने संविधान चौक पर सब्जी बेचकर किया विरोध। राज्य सरकार की ओर से तारीख 30 जनवरी 2020 को शासकीय निमशासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतन लागू किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से एक परिपत्रक के तहत शिक्षक व मुख्याध्यापक और बाकी शिक्षकों को इस लाभ से दूर रखकर बाकी सभी को लागू किया गया है, जिससे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ और 123 दिव्यांग स्कूल कर्मचारी कृति समिति, दिव्यांग स्कूल कर्मशाला कर्मचारी कृति समिति इनके संयुक्त तत्वावधान में संविधान चौक पर अपनी मांगों को लेकर धरना आंदोलन शिक्षकों ने किया। इस समय में तमाम शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आए दिन शिक्षकों के ऊपर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र राज्य की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे शिक्षक अब प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। टीचर, अध्यापक, ये वो शब्द है जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों का जीवन संवर्धन करते हैं। जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो देश का नाम रोशन होता है, मगर अफसोस कि आए दिन ऐसे जो अध्यापक है आज उन्हीं दरकिनार किया जा रहा है। उनके कई मांगों को सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज वे तमाम दिव्यांगों के शिक्षक आज संविधान चौक पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। इस समय में कुछ अध्यापक हमारे साथ में, उनसे मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए, क्या उद्देश्य है आंदोलन करने का, क्या मांगे हैं प्रमुख आपकी? 15 फरवरी 2020 को एक शासन निर्णय निकाला, समाज कल्याण विभाग ने निकाला, उसमें टीचर्स को नहीं दिया है, सेवन पे कमीशन नहीं दिया। 123 दिव्यांग स्कूल है, वो 123 दिव्यांग स्कूल के टीचर्स को 50% ग्रांट दी, मैनेजमेंट को 100% दी। ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है। जो जिसके लिए सेवन पे का जीआर निकला, वो जीआर के अंदर उसने कैंप लेना चाहिए फिक्सेशन के लिए, इसमें बहुत बड़ा करप्शन होता है। हमने इस संबंध में, उन्होंने कैंप नहीं लिया तो हम एंटी करप्शन की तरफ जाएंगे। एंटी करप्शन ये आईपीएस अधिकारी रहता है, उसको कंट्रोल बता के हम ये करने वाले हैं। इस संबंध में हमारी टीचर्स है, वो भी आपसे बात करेंगी, बताएं। बिल्कुल, तो इस प्रकार के इनको जो कुछ इनकी मांगे हैं जो सरकार के तरफ ये मनवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पूरे टीचर्स लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहोगे आप? सर, जो हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको हम दिव्यांग जो बच्चे हैं हमारे उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं। सरकार दिव्यांगों के लिए इतना पॉजिटिव है तो भी जो टीचर्स है उनको, जो दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको सेवन पे से वंचित अभी तक सरकार ने रखा है। नॉर्मल जो टीचर्स है उनको एक साल हो गया, उनको सेवन पे भी लग गया और एरेज भी उनको मिल गए, लेकिन हमारे जो टीचर्स है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं तब उनकी केयर करते हैं, उनके लिए सरकार नाखुश है, ऐसा दिख रहा है। कि अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? इसके आगे हम जाएंगे और उग्र हम आंदोलन करेंगे, अभी यहाँ हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे और जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तमाम शिक्षक थे जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि अब वे रुकने वाले नहीं हैं, इसके लिए अगर समय आए तो उग्र आंदोलन भी करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करके रहेंगे, क्योंकि सातवां वेतन जो है बाकी शिक्षकों के लिए लगा है, लेकिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती। हम अपने अच्छे बच्चों का संस्कार पालन पोषण नहीं कर सकते, काफ़ी कठिनाई आती है। ऐसे में दिव्यांग बच्चा जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, ऐसे बच्चों का देखभाल करना, उनका जीवन संवर्धन करने का काम ये तमाम टीचर्स लोगों का होता है। उतने होने के बावजूद भी आज इन्हें जिस प्रकार से जो वेतन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज इन लोगों पे भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। मगर अफसोस कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन अभिभावकों की तरफ कब ध्यान देता है और इनका भी जीवन संवर्धन कब होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़, नागपुर।